तो यार गाइस मतलब कैसे हो सब यार। तो इस वीडियो में जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इस वीडियो एक अगली वीडियो में एक लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करेंगे, जो HP का 250G6 लैपटॉप है उसके अनबॉक्सिंग करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो और बहुत ही मतलब मैं पेटीएम मॉल से मंगाया और हमको कुछ 37-35 के समथिंग कुछ पड़ गया है लैपटॉप, मतलब ऑफर्स वगैरह सब कैशबैक मिला के मतलब सब कुछ हटा के उसके बाद 35-37 के बीच हमको पड़ गया लैपटॉप। तो और देख रहे थे क्या है इस लैपटॉप के अंदर और क्या कैसा क्या है सब कुछ, मतलब आपके लिए अच्छा है या नहीं है। तो एक मिड रेंज लैपटॉप है मतलब, और ज़्यादा हाई एंड नहीं है, आप इसमें मतलब कुछ गेमिंग वगैरह ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसमें ग्राफिक कार्ड भी नहीं है। तो उसके बाद इसको देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसकी बाय करनी चाहिए कि लिंक से ना सब डिस्क्रिप्शन के अंदर है, डिस्क्रिप्शन के नीचे, तो उसमें चेक करना अमेजोन पेटीएम दोनों की मैंने लिंक दे रखी है, तो हम खरीद सकते हैं और देख सकते हैं कैसा क्या लैपटॉप है। और चलिए देख लेते हैं कैसा क्या लैपटॉप है। तो ये सब कुछ पेटीएम मॉल की तरफ से हमको बॉक्स मिला, तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए इसको खोल लिया हमने, देन इसे पैकेजिंग तो सही है, ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है, बड़े पैकेजिंग है वैसे। ऐसा कुछ बॉक्स है मेरे पास अभी की है, तो मैं इससे अनबॉक्स करूँगा, फर्स्ट अनबॉक्सिंग है इसलिए कोई बात नहीं, मेरा फ्रेंड हेल्प कर रहा है मेरी इसमें, तो ऐसे करता हूँ मैं। बाकी प्रो जो अनबॉक्सर होता है मतलब जो अनबॉक्सिंग करते हैं टेक्निकल गुज वगैरह, वो लाइक वो नाइफ वगैरह में यूज़ करते हैं, अपने की से काम चल जाएगा। तो उसमें सबसे पहले अपन को सेटअप गाइड और वारंटी इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी है ये मिलेगी। तो हाँ ये HP की पूरी वारंटी इंफॉर्मेशन है, तो इसको देख लेते ना इसके अंदर क्या क्या है। तो सर तो वारंटी और वो गाइड होगा इसके अंदर, वो क्या, तो ये तो है इसकी पूरी, अच्छा इसकी पूरी डिटेल दी है HP के जो प्रोडक्ट्स और इसकी कुछ लिस्ट इसमें क्या क्या है वगैरह। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट है HP के, तो अपने से अभी काम नहीं है इसको रखो साइड में। और ये पूरी इसका मैनुअल है, गाइड मैनुअल वगैरह जो बोलो आप वो, तो इसको भी रखते हैं साइड में इसको अंदर डाल के। और अभी और इसके अंदर क्या है, तो ये सेटअप इंफॉर्मेशन, तो सेटअप तो आता है अपन को, तो अपन कर लेंगे ऐसे कुछ में वो नहीं है, लेकिन तो सेटअप भी दिया कैसे क्या सेटअप करना। तो आपको मतलब पहले चार्ज लगाना है, इसको इसको ऑन करना है, अच्छा फर्स्ट में लिखा हुआ है, ट्राई करते हैं ठीक है। तो इसको रखो साइड में, और ये अब निकलेगा अपना मेन लैपटॉप, तो ठीक है। और अभी आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशन जो भी है स्पेक्स वगैरह आपको साइड में दिख रहे होंगे, आप देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। अब इसके बाद इसके अंदर चार्जर अडाप्टर वगैरह साइड में निकले, तो इसकी मैं रेटिंग देख लूँ, तो इसकी जो 65 वोल्ट, हाँ जो स्पेस जो आता है वो है सब का ठीक है। और कोड वगैरह बस उसके साथ, इसके साथ कुछ पेटीएम मॉल से मंगाया था, बैग वगैरह ऐसा कुछ नहीं आया है, बस लैपटॉप और अपना चार्जर आया है और कुछ भी नहीं इसके अंदर, बाकी वारंटी कार्ड वगैरह बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी नहीं। तो इसको मैं खोलता हूँ, देन तो कलर मेरे को यही अच्छा लगा, मतलब मेरे ये मैंने दोस्त के लिए मंगाया मतलब, तो उसको ये कलर अच्छा लगा, तो कलर एक नंबर कलर, फिनिशिंग मस्त है, बड़े कलर है वैसे एक नंबर। और इसके जो इधर पोर्ट है, एक तो ये कार्ड स्लॉट है, देन 2.0 है वो USB, और एक का DVD राइडर है, और ये लॉक बटन है ठीक है। उसके बाद साइड में तो 3.0 शायद उधर 3.0 इधर 2.0 USB पोर्ट है, देन HDMI है, और पास में एक अपना नेट के लिए है, और HDMI केबल, देन वो एग्जॉस्टर और पावर केबल, और इधर से कुछ भी आप इधर अपनी बैटरी लगी हुई है। तो मैं आपको इसकी बैटरी खोल के बता देता हूँ, मतलब बैटरी क्या कैसे कैसे खुलेगी। तो सिंपली आपको जो इसके जो दोनों लॉक है ना, इसको लॉक को दबाना है, बैटरी खुल जाएगी भाई थोड़ा आराम से हो, हाँ ठीक है हाँ ये बैटरी खुल गई।
तो ये अपनी ऐसी कुछ बैटरी आएगी। तो ये फोकस नहीं ले रहा है। हाँ तो ठीक है, बैटरी तो 65 वोल्ट के चार्जेस चार्ज होगी, बढ़िया बैटरी है ऐसे। और मैं इसकी बैटरी बैकअप की मेरे को भी जानकारी नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा बैटरी बैकअप का वगैरह, पूरे स्पेक्स वगैरह सब। तो बैटरी बैकअप की भी थोड़ी जानकारी नहीं है, तो इसको मैं यूज़ करेंगे उसके बाद पता चलेगा असली क्या खेल है इसका, तो डिस्क्रिप्शन में सब ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये अपना पूरा मेन लैपटॉप, HP 250G6। देन इसको वो नहीं आया पेपर, तो ये इंटेल i5 7th जनरेशन मंगाया, ठीक है, मतलब पेटीएम मॉल से मंगाया, तो ये 41,000 था, तो 4,000 का कैशबैक वगैरह मिल गया, तो उस हिसाब से हमको कम से कम 35 तक तो पड़ गया, 36 तक, तो 30। और इसको ऑन करते हैं, तो अपने इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि इसको पहले चार्ज लगाना है, तो प्रॉब्लम होगी शायद इसको, पहले हमको चार्ज लगाना पड़ेगा। चार्ज लगा दिया इसको, देन इसको हम ऑन करते हैं। अब तो ऑन हो जाना चाहिए, तो ये करके ऑन हो चुका है। इसमें कोई बैटरी कम थी, मतलब चार्ज नहीं था, तो हम थोड़ा चार्ज लगाया 2 मिनट, तो 2-5 मिनट, तो उसके बाद ऑन हो गया। तो इसके बाद चलो एक बार हम इसका वो जो स्पेक्स वगैरह उसके बारे में आपको बता दूँ, और अच्छी डिटेल में क्या क्या स्पेक्स इसके बारे में, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अब क्या क्या होगा ये स्पेक्स वगैरह लिस्ट। तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है ना, वो इंटेल का i5 प्रोसेसर 7th जनरेशन, हमने 8th जनरेशन वाला वेरियंट भी था, लेकिन वो इसलिए नहीं कंसिडर करा क्योंकि प्राइस को देखते हुए हमने लैपटॉप लिया, तो इस हिसाब से 7th जनरेशन भी बेस्ट है। तो i5 का 7th जनरेशन प्रोसेसर इसके अंदर, रैम इसके अंदर 4 GB है, इसके अंदर 4 GB जो कंपनी की तरफ से इनबिल्ट आती है वही है, हमने कोई एक्सटेंड नहीं करवाई, 4 GB आती, तो रैम 4 GB DDR4 है, तो ये वो बहुत अच्छी बात है DDR4 रैम इसमें। उसके बाद OS की बात करें तो Windows 10 है, होम 64 बिट है। इसके बाद हार्ड डिस्क आपको इसमें 1 TB मिलती है, और 1 TB कम नहीं पड़ती है, वैसे बहुत है 1 TB, और अगर आपको इसका कम पड़ेगा हार्ड डिस्क कम पड़ती है, आप इसको लगवा सकते हैं, एक्सटर्नल ला सकते हैं, इसमें इंटरनल भी लगवा सकते हैं इसके अंदर। देन ग्राफिक कार्ड नहीं है कोई, इसके जो इंटीग्रेटर आता है इंटेल का वही है इसके अंदर, जो इंटेल की तरफ से आता है। तो अगर ग्राफिक कार्ड वाले वेरिएंट अगर लो, तो इस वाले लैपटॉप के अंदर ग्राफिक कार्ड वाला वेरिएंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ इसके जैसे दूसरे लोग हैं तो उसमें आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी 50,000 से ऊपर जाएगी, तो हमने ये कंसिडर किया। तो अभी मतलब ये एक हाई एंड लैपटॉप तो नहीं है, इसमें आप गेमिंग कर सकते हो, छोटे बहुत छोटे मोटे गेम कर सकते हो, लेकिन अब जो पबजी मोबाइल जो आता है वो अभी वो ज़्यादा चल रहा है, वो इसमें नहीं करोगे, मतलब नहीं कर पाओगे क्योंकि तो लेग होगा ग्राफिक कार्ड नहीं। इसलिए स्क्रीन की बात की जाए तो स्क्रीन 15.6 इंच की है, और फुल एच डिस्प्ले, और मैंने खुद ने ट्राई किया इसको, मतलब डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है, 1 नंबर डिस्प्ले है, तो इसको डिस्प्ले के वजह से इसको मैं कंसिडर करता हूँ कि बहुत बेस्ट लैपटॉप है, और इसके प्राइस रेंज के हिसाब से तो बहुत बढ़िया लैपटॉप है। तो ये अपना जो लैपटॉप है ऑन हो गया एकदम, मतलब बूट हो गया, फर्स्ट बूट हुआ है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए मैं इस वीडियो थोड़ा स्किप कर देता हूँ, देन उसके बाद हम आते हैं इसके मेन चीज पे, इसको सेटअप करते हैं कैसे क्या पूरा। तो ये स्टार्ट हो चुका है, देन इसको हम सेटअप कर लेते हैं। तो वेलकम कोर्टाना, और तो क्या बोल रही है, हाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही है अपन को, इसके बाद हाँ ठीक है ठीक है। हाँ मतलब अपनी वॉइस कमांड भी यूज कर सकते हैं, जैसे अब गूगल असिस्टेंट होता है ना अपने फ़ोन के अंदर, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, वैसे इसमें कोर्टाना है, मतलब आपको पता ही है ऐसे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोर्टाना आती है, तो बस इसको ऐसे हम इसको वॉइस से हम सेटअप कर सकते हैं, तो उसको ट्राई करेंगे वॉइस से सेटअप करने की। तो लैंग्वेज करनी है, इसके बाद इंडिया, तो यस, तो इसको हम इसमें कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश, तो इंग्लिश को भी यस, यस हो गया, स्किप ओके ओके, देन जस्ट अ मोमेंट,
थोड़ा शायद और टाइम लेने हो चुका है कनेक्ट टू नेटवर्क। इसकी फोर नाउ ये अब लिसनिंग नहीं हुई है तो इसके फोर नाउ इसकी फोर नाउ ठीक है तो इसको करेंगे हम। तो इसका जो टर्म लाइसेंस एग्रीमेंट है उसको एक्सेप्ट करना है, इसके बाद तो एक्सेप्ट क्लिक करना है और जस्ट अ सेकंड देन हमको हमारा जो नाम है वो यहाँ देना पड़ेगा, अपना यूजर नेम वगैरह, मतलब अपने जो नाम रखना सकते हैं मतलब आपका नाम देना है, सिंपल काम। देन नाम दिया है नेक्स्ट, देन इस ऊपर एक पासवर्ड हमको क्रिएट करना है, देन पासवर्ड क्रिएट कर दिया हमने कुछ भी और एक बार कंफर्म है पासवर्ड, देन ओके देन नेक्स्ट। देन एक पासवर्ड की जो हिंट है वो हिंट देनी पड़ेगी, तो हिंट हम हिंट दे देते हैं यहाँ पे ठीक है। देन मेक कंट्रोल योर पर्सनल असिस्टेंट ठीक है यस ओके जस्ट सेकंड ठीक है तो लोकेशन वगैरह ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हमने इसको फर्स्ट पूरा कर लिया सेटअप, तो रजिस्टर प्रोडक्ट हमको HPC को रजिस्टर भी करना पड़ेगा एक बार। तो हमने यहाँ पे हमने नए ईमेल वगैरह सब दे दिया इंडिया चूज कर, इसके बाद एक्सेप्ट करना है सारे एग्रीमेंट्स वगैरह तो एक्सेप्ट। अपना पूरा लैपटॉप सेटअप हो चुका है, मैं आपको इसको बता दूँ इसके जो प्रॉपर्टीज वगैरह इसका 4 GB रैम जो मैंने आपको पूरा बताया वो ये i5 7th जनरेशन वगैरह टोटल, और बस यही कुछ अपना पूरा लैपटॉप के अंदर। हो प्यार दोस्तों आपको ये लैपटॉप पसंद आया होगा, मतलब आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीक में मैं ना आपके लिए बहुत सारे वीडियोज लेके आने वाला हूँ जो मतलब बहुत बढ़िया और मतलब आपकी बारे में हमेशा वीडियो आएगी। जो ले वीडियोज़ का जो लेप है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, टाइम पर वीडियो आती है तो मतलब जल्दी आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड का जिसको भी लैपटॉप लेना हो वो भी देख लें कैसा क्या लैपटॉप है, तो उसके बाद कर देना और क्या, और घंटा जो आइकॉन है ना तो बेल आइकन को दबा देना, घंटा बोलना थोड़ा ऑकवर्ड है लेकिन कोई बात नहीं, बेल आइकन जो है ना उसको दबा देना, सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यार मतलब अपने भाई का चैनल है यार मेरा, तो प्लीज़ कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो तब के लिए बाय।